अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टोरी राइटिंग को डिस्कस करेंगे जो कि पंजाब बोर्ड के सिलेबस का एक हिस्सा है। आपके सिलेबस में स्टोरीज दी गई हैं कि आपको कोई भी एक स्टोरी का मॉरल दिया जा सकता है जिस पर आपने एक स्टोरी लिखनी होती है। अब आपको पेपर में दो स्टोरीज दी जाती हैं जिनमें से आपने एक करनी होती है और वो होती है 10 नंबरों के लिए। अब एक स्टोरी में से एग्जैक्ट 10 नंबर निकालना मुश्किल हो सकता है। अब स्टोरीज तकरीबन सेम ही हैं, वही थर्स्टी क्रो, वही लालची कुत्ता वगैरह जितनी भी थी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के लेवल पे हैं तो हमें पहले से थोड़ा लेंथी करके और बड़ी स्टोरीज़ लिखनी पड़ती हैं। एक तो आपने जो भी स्टोरी लिखनी है उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट डिस्कशन करने वाला ये है कि आपको जो स्टोरी दी जाती है, अब आपको स्टोरी का नाम नहीं दिया जाता, आपको दरअसल एक सबक दिया जाता है कि इस मॉरल पर आप एक स्टोरी लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी थर्स्टी क्रो बहुत मशहूर स्टोरी है, सारे इससे वाकिफ़ हैं। अब थर्स्टी क्रो नहीं कहेंगे कि आपको आप थर्स्टी क्रो लिखें, आपको बेसिकली कोई मॉरल्स दे देंगे। अब एक कहानी के एक से ज़्यादा मॉरल्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ ट्राई ट्राई अगेन, हमें ये याद है कि इसके लिए ट्राई ट्राई अगेन एक मॉरल है। लेकिन सेम वे अगर लिखा आ जाए नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसके ऊपर आप एक स्टोरी लिखें, तो ये भी हमारे पास एक मॉरल है। ये भी सेम इसी स्टोरी पर अप्लाई हो जाता है कि जो कौवा था किस तरह जब ज़रूरत बनी तो उसने एक इजाद निकाल ली, पत्थर डाले पानी ऊपर आ गया। सेम वे गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कवे ने भी अपनी मदद आप की थी और उसको उसका फल भी मिल गया, तो इस मॉरल के ऊपर भी ये स्टोरी बन जाती है। इस तरह थर्स्टी क्रो के लिए तकरीबन 7 से 8 मॉरल्स बन जाते हैं। अब आपको इस तरह मॉरल दिया जाता है, आपने मॉरल के ऊपर स्टोरी लिखनी है। अब जितनी भी स्टोरीज हैं 7-8 ही, उन 7-8 स्टोरीज़ को आप याद कर लें, तकरीबन तमाम मॉरल्स उनके अंदर कवर हो जाते हैं। अब हर एक स्टोरी के लिए आपने एग्जैक्ट उनके मॉरल्स को देख लेना है, क्या क्या मॉरल्स बन सकते हैं। अब स्टोरी को जब आपने लिखना है, अब थर्स्टी क्रो स्टोरी से तो आप वैसे वाकिफ़ ही हैं, लेकिन जब आप लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा हमने इसको 3 पैराग्राफ्स के ऊपर लाजमी एटलीस्ट डिवाइड करना है ताकि लगे कुछ लिखा हुआ है। 1 से 1.5 अगर वो आपकी पेपर वाला पेज होगा तकरीबन 1 पूरा पेज हो। स्टोरी या लेटर या एप्लीकेशन जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपने हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना है, चाहे आपका पिछला पेज आधा खाली रहता है, आप न्यू पेज से स्टार्ट करें। और आपने इनको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इस तरह जिस तरह कहा जाता है कि ये एक बहुत अच्छा मकूला है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर थोड़ा सा स्टोरीज़ का बैकग्राउंड दे दें कि इस तरह स्टोरीज लिखी जाती हैं कि जिनमें हमें सबक भी मिल जाता है, साथ साथ वो इंटरेस्टिंग भी होती हैं, और जो फॉलोइंग स्टोरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीसेज के उन्हीं पीसेज में से एक है जिसमें हमें सबक भी मिलता है, और इसमें एक कव्वे की कहानी आ गई। फिर हम नीचे से असल स्टोरी स्टार्ट करें कि वंस देयर वाज़ अ क्रो हु वाज़ वेरी थर्स्टी, ये वो। उसको अब स्टार्ट में ऐसे नहीं करना कि हमने पकड़ते साथ ही ख़त्म कर दिया, अब थोड़ा सा बीच में ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर थर्स्टी क्रो की बात हो रही, हम बता रहे थे कि जब इट वॉज़ वेरी हॉट दैट डे, कि वो दिन बहुत गर्म था, कि इट वॉज़ अ हॉट समर कह लें, तो हम थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेंगे कि सूरज भी चमक रहा था, जो लोग हैं वो अपने घरों में साए में बैठे हुए थे, और हर चीज़ जो वो अपने आप को ठंडा करने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी, तो इस तरह ज़रा गर्मी का एक बड़ा इमेज बन जाता। फिर हम आगे कहें कि कौवा था हु वॉज़ वेरी थर्स्टी, ही वॉज़ फ्लाइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, फिर बट ही कुड नॉट फाइंड इट एनी वेयर। इस तरह से फिर हम आगे बात स्टार्ट करें, इससे क्या होगा आपकी स्टोरी थोड़ी लेंथी हो जाएगी। आप इसलिए अब जो की बुक्स वगैरह उनको भी इस्तेमाल करें, साथ ही साथ हर पैराग्राफ के स्टोरी के स्टार्ट में एक पैराग्राफ लिखने के लिए आप एक वो स्क्रिप्ट सी पकड़ लें कोई अच्छी सी, वो भी याद करें कि जो हर स्टोरी के स्टार्ट में ऐड हो जाए कहानियों के बारे में। इस तरह से आपके 10 नंबर पूरे बन सकते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी देंगे और कह लें खूबसूरत से लिखेंगे बगैर किसी मिस्टेक के, तो आपके 10 में से 8-9 नंबर आ सकते हैं। फिर ये कि आपने जहन में रखें स्टोरी के एंड पर मॉरल्स नहीं लिखने, एक्चुअली आपको मॉरल दिया जाएगा जिस पर आपने स्टोरी लिख देनी है, ना ही आपने स्टोरी का एंड पर नाम लिखना है। सिंपली ऊपर आप हेडिंग दें, फॉर एग्जाम्पल ट्राई ट्राई अगेन हेडिंग दे दी, और नीचे आप स्टोरी लिख देंगे, उसको 2 से 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर स्टोरीज। अब जितनी भी स्टोरीज हैं आप एक बार ये कि अनसीन आती है सिलेबस में, ये कि कोई भी स्टोरी हो सकती है, तो बेसिकली 7-8 स्टोरीज हैं, आप उनको अगर याद करें तो उसमें ही सारी कवर हो जाती हैं। बस आपने उनके जो मॉरल्स हैं उनको सही से याद रखना है कि वो कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही, जो उम्मीद है हेल्पफुल रहा होगा। आप कोई भी की बुक लें जितने उसके अंदर स्टोरीज़ हैं, आप उनको याद करें, उनके नोट्स बनाएं और लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।